हेलो लर्नर्स हाय आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड दिस इज कंटिन्यूशन ऑफ माय लेक्चर वन प्लीज़ वॉच लेक्चर वन प्रायर टू दिस अब हम बात करेंगे हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म फिर हम पढ़ेंगे एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट आइए सबसे पहले फ्रेंड्स जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन है क्या जब फ्रेंड्स लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो एक सर्टेन एंगल पर बेंट होती है हम इसी को फिनमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं जो प्रिज्म है ये एक ऑप्टिकल एलिमेंट है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है एक ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट वो एक प्रिज्म तब बनता है जब उसके एटलीस्ट टू फेसेस होते हैं और जिसके बीच में एक एंगल होता है सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इसके हमारे टोटल वन टू तो, थ्री फोर फाइव फेसेस हैं ये एक प्रिज्म uh, की फॉर्म में है पिरामिड की फॉर्म में है सो so, आइए देखते हैं कि प्रिज्म एक्चुअली होता क्या जब लाइट प्रिज्म जब लाइट प्रिज्म की तरफ आती है फ्रेंड्स वो अलग अलग एंगल्स पर लाइट वाइट लाइट रिफ्रैक्ट होती है और जब ये अलग अलग एंगल्स पर रिफ्रैक्ट होती है तब उसके अंदर जो सेवन कलर्स हैं वो हमारे अलग अलग हमें दिखाई देते हैं और फाइनली एक कलरफुल बैंड सेवन कलर्स का फॉर्म होता है और इस फिनिना को हम कहते हैं डिस्पोशन ऑफ वाइट लाइट बाय द प्रिज्म एक वीडियो से हमें पता लगेगा कि ये प्रैक्टिकली होता कैसे है मैंने आपके लिए वीडियो सर्च करी है आइए देखते हैं कि फ्रेंड्स ये एक छोटा सा मिरर है प्रिज्म की फॉर्मेस कैट इज़ टू फेसेस है विद एन एंगल तो जब लाइट वाइट लाइट आती है फ्रेंड्स तब अलग अलग एंगल्स पर ये जो हमारा कलर्स हैं वो रिफ्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर्स एक सेवन कलर का बैंड दिखाई देता है फ्रेंड्स जो हमारा रेनबो होता है रेनबो में भी फ्रेंड्स यही होता है आप देखते हैं कि जब बारिश होती है बारिश के बाद जब सनलाइट आती है रेनबो हमारा तब फॉर्म होता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि फ्रेंड्स जो बारिश होती है बारिश के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं सो जब वाइट लाइट हमारी सन लाइट से आती है तब वो अलग अलग एंगल्स पर ड्रॉपलेट्स की की वजह से क्योंकि जो ड्रॉपलेट हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं तो लाइट अपना मीडियम चेंज करती है फ्रॉम एयर टू वाटर तो रिफ़्रैक्शन होता है जिसकी वजह से सन uh, के बिल्कुल ऑपोजिट हमें रेनबो दिखाई देता है सो फ्रेंड्स आई होप इट वॉज क्लियर टू यू अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में इसके दो हैं फ्रेंड्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हम जब रात को देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं और एडवांस सनराइज एंडिलीट सनसेट कि सनराइज़ होने से हमें कुछ देर पहले ही सन दिखाई देने लग जाता है और सेम इन द केस ऑफ सनसेट कि सनसेट Uh, होने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है सो so, आइए देखते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स फ्रेंड्स डू यू ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ये एक फिनोमिना है इसका भी रीज़न रिफ्रैक्शन ही है जो स्टार की लाइट है वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे एंटर करती है बहुत सारी जगहों से वो रिफ़्रैक्ट होती है इससे पहले कि वो अर्थ पे पहुँचे और इस रिफ़्रैक्शन की वजह से जो हमारी आज तक वो लाइट पहुँचती है हमें वो ऐसा लगता है कि वो फ्लक्चुएट कर रही है और इस फ्लक्चुएशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं सो so, अब हम बात करेंगे एडवांस सनराइज़ एंड डिलेट सनसेट की जो सन है वो हमें दो मिनट पहले दिखाई देता है एक्चुअल सनराइज से और दो मिनट बाद हमें तब तक दिखाई देता है सनसेट के बाद भी ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सेम रीज़न और ये एक्चुअली जो सनराइज़ है ये आ, इसका मतलब है कि एक्चुअली जब क्रॉस होता है हॉरिजन से जब हमारा सन हॉरिजन से क्रॉस होता है तब रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हमें सन और सन uh, सनसेट sun, sun, और सनराइज़ दोनों के पहले और बाद में दिखाई देता है सो है फ्रेंड्स आई होप यू गॉल इट अब हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इसमें हम दो फिनोमेना के बारे, के बारे में के बारे में बात करेंगे टिंडल इफेक्ट और ब्लू स्काई जो टेंडल इफेक्ट है उसके अंदर फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट था टिंडल तो उसने ये एक चीज़ डिस्कवर करी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ सर्टेन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है हम देखेंगे और हमारा स्काई फ्रेंड्स ब्लू क्यों है हम इसके बारे में स्टडी करेंगे आइए सबसे पहले देखते हैं द दे टिंडल इफ़ेक्ट ये एक ऑप्टिकल इफेक्ट है क्योंकि जो लाइट जो हमारी स्कैटर होती है अलग अलग पार्टिकल से जो हमें बताती है कि एक सॉल्यूशन कोलाइडल है या सस्पेंशन है उसको कहते हैं हम टिंडल इफ़ेक्ट फ्रेंड्स आपने कभी कभार नोटिस किया होगा कि जब हमारा रूम बिल्कुल क्लोज होता है और बिल्कुल एक छोटे से होल में से लाइट कहीं से एंटर करती है तो हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं आइए एक वीडियो देखते हैं उससे पता लगेगा हमें कि एक्चुअली टेंडल इफेक्ट होता कैसे है प्रैक्टिकली फ्रेंड्स need... जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस टाइम टू कंटेनर्स लिए हैं एक कंटेनर में हमारे पास सिर्फ वाटर है और एक कंटेनर में हमारे पास सोप सॉल्यूशन है हम इस सौ... इन दोनों सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे और देखते हैं क्या होगा

अब हम बात करेंगे कि हमारा स्काई फ्रेंड्स ब्लू क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डेली लाइफ में भी ऐसा सोचते हैं तो आइए पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स हमें पता है कि जो अलग अलग कलर्स हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा होती है और ब्लू कलर की सबसे कम जब पार्टिकल स्कैटर करते हैं तो जिस लाइट की सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ होती है उस वो ज़्यादा इफेक्टिवली हमें स्काटर uh, होती है तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्लू लाइट की विवलेंथ सबसे कम होती है इसकी वजह से ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है और हमें अपना स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है और रेड जिसकी विवलेंथ सबसे ज़्यादा है ये सबसे कम स्कैटर होता है तो जितने भी हमारे वॉर्निंग साइनबोर्ड्स होते हैं वो हमारे रेड कलर से फ्रेम्ड होते हैं जिससे कि वो स्कैटर कम होए और हमें वो दूर से दिखाई दें सो आई होप फ्रेंड्स एवरीथिंग वॉज क्लियर टू यू ऑल द बेस्ट फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी